दोस्तों फ्रंट व्यू में यहाँ पर हमारे पास 20 मिलीमीटर और 30x20 का एक स्लॉट है बीच में, तो उसकी मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने इसका फ्रंट व्यू तैयार कर दिया है। अब इसका साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू यहाँ से देखने पर हम लोगों को ये वाला पोर्शन विजिबल है, तो इसकी मार्किंग कर लेते हैं। 20 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर है। दोस्तों दूसरा जो बेस है उसका हम लोग प्रोजेक्शन ले सकते हैं, तो हम लोग प्रोजेक्शन ले रहे हैं। इस प्रकार से हमारा साइड व्यू तैयार हो गया। दोस्तों साइड व्यू में जो ये वाला पोर्शन है सिर्फ ये विजिबल है, बाकी सारा हम लोगों ने इरेज कर दिया, इसको डायमेंशन के लिए छोड़ दिया, डायमेंशन भी इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें विशेष बात ध्यान रखने वाली ये एक स्लॉट है, वो यहाँ पर है तो सही लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, पीछे की तरफ एविडेंट है, तो इसको डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने ये डॉटेड लाइन से शो कर दिया है। बेस में भी कॉर्नर से 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर छोड़ के हमारे पास यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है, तो उसकी भी कर लेते हैं हम लोग मार्किंग। दोस्तों ये वाली लाइनें पीछे की तरफ छुपी हुई हैं, तो हम लोग डॉटेड लाइन से शो किया है, इसको हेडर लाइन कहते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में भी हमारे पास दो डॉटेड लाइनें आएंगी, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये डॉटेड लाइनें जो स्क्वायर होल यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है उसकी हैं। अब टॉप व्यू अगर हम देखते हैं तो टॉप व्यू में हमारे पास ऊपर से 20 मिलीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन है,
और 20-30 और 20 का स्लॉट है। दोस्तों जो ये स्क्वायर होल है यहाँ पर वो हमें टॉपी से विजिबल होगा, तो चारों कॉर्नर से 10 मिलीमीटर छोड़कर हम लोग एक स्लॉट बना देते हैं इसमें। तो इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू तैयार हो गया। इसकी डाइमेंशन हम लोग कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी डाइमेंशन कर दी है, इसकी नेमिंग भी हम लोग कर देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने गिवन ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बना दिया। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखने वाली ये है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग बिना करे नहीं सीख सकते, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको बनाकर अवश्य देखिए और जितने ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना ज्यादा हम लोग सीखेंगे। तो बिना बनाए इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आती है। धन्यवाद।